तो अपने पास एक ओरिजिन कौन कौन सा हो गया, कैड का ओरिजिन होता है कि रेविट का ओरिजिन होता है, ठीक है। कैड का ओरिजिन पहले देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद से रेविट का ओरिजिन समझने की कोशिश करेंगे। तो कैड का ओरिजिन के लिए तो सबसे पहले अगर आप दोनों ने कैड, मोहक तुमने कॉलेज में देखा है कैड और आपने ऑलरेडी कैड सीखा हुआ है, ठीक है। तो कैड जब भी बनाते हैं तो ये देखते होगे ना, ऐसा होता है, और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, और ये हो एक्स गया जेड 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 एक्सिस, सॉरी यहाँ से, ठीक है। ये हो गया अपना जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये तीन एक्सिस तो हो गया, अब इस एक्सिस को कैड में क्या बोलते हैं, कैड में इस चीज़ को बोलते हैं, अपने को नाम सुना होगा, UCS आइकन, राइट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये UCS आइकन होता है, और ये बेसिकली ओरिजिन का मतलब, हमने बचपन से ये सीखा होगा कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0,0, राइट। मतलब जो एक्स का काम, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो अपना 0,0,0 पे, ठीक है। मतलब अगर ये अपना ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन अगर 0,0 पे है, उससे हम कितना मान के चलो 2 मीटर आ जाते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे आके खड़े हो गए, तो ये वाली पॉइंट का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा एक्स कितने पे है, एक्स में कितना टू चला, कॉमा जीरो कॉमा एक्स मेरा टू टू हो गया, दो मीटर 0 और 0, क्योंकि मैं जेड में भी उतना ही जीरो चला। अभी ये मैं पॉइंट इधर कहीं चला जाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से 3 मीटर चला जाता हूँ, तो ये पॉइंट का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,3,0, राइट। बस तो रेविट जो कैड होता है अपना, तो कैड में सिर्फ एक अपने पास जो कैड होता है, तो कैड में वी हैव ओनली, यहाँ लिखता हूँ, इन कैड वी हैव ओनली कितना कितना ओरिजिन होता है, ओनली वन ओरिजिन, एक सिर्फ कैड में सिर्फ एक ओरिजिन होता है अपने पास, बस इतना याद रखना। हर जगह ओरिजिन एक ही होता है, ओरिजिन का मतलब ही 0,0,0 होता है, लेकिन का अगर मैं सिंपल बात करूं कि कोई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या फिर सिंपल बात करूं कुछ पॉइंट्स की, जैसे रैबिट में ओरिजिन होता है, बेस पॉइंट्स होते हैं, तो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, बेसिकली इतना फंडा है। अभी ये समझ में आया, अभी थोड़ा इसको कैड में मैं समझाता हूँ कि क्या होता है, ऑटो कैड में चलते हैं। ये है ऑटो कैड, ठीक है, एक मैं सिंपल सी फाइल ओपन कर लेता हूँ, कोई नया, बेसिकली जो मैं बोल रहा था वो ये है, राइट, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये होता है अपना एक्स वाई जो भी है, इसको बोलते हैं हम लोग UCS, ये होता है 0,0। कभी भी कोई भी लाइन हम कैड में बनाएंगे, जैसे मैंने एक कमांड एक्टिवेट किया, एल एंटर, ठीक है, और मैं कोऑर्डिनेट सिर्फ सिंपली डाल रहा हूँ 0,0,0, और एंटर किया, तो देखो मेरा लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0,0,0 से, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑटो कैड का ओरिजिन। अभी एक इसकी भी फाइल ओपन कर देता हूँ और आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अभी मैं इसको इधर से बंद करता हूँ, ठीक है। अभी दूसरा चीज़ क्या है अपने पास में, रेविट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये अपने रेविट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो रेविट में बेसिकली, बेसिकली नहीं बोलूँगा, रेविट में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स तो बहुत होते हैं, बट पॉइंट्स की बात करो सिंपली, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूँ, तो इसको बोलेंगे रेविट बेस पॉइंट्स, ठीक है, इसको याद रखना, रेविट बेस पॉइंट्स। तो रेविट बेस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, रेविट बेस पॉइंट्स का मतलब हुआ कि रेविट में बेसिकली कितने ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग एक एज अ माइलस्टोन, जैसे क्या होता है, हम मिलस्टोन हाँ जैसे हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे में क्या होता है कि
सर्वे कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही होता है ना, है ना। मतलब उस कोई भी दूसरे पॉइंट, जैसे मान के चलो इस पॉइंट का लोकेशन चाहिए, तो मेरे को इस पॉइंट का परफेक्ट लोकेशन मालूम होना चाहिए, राइट। तभी मैं इस पॉइंट के बिल्कुल रेफर को रेफरेंस मान के इस पॉइंट का मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दे सकता हूँ, करेक्ट। बस वही, और रेविट में होता है अपने पास। तो रेविट में तीन टोटल तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, टोटल 3 बेस पॉइंट्स, ठीक है। पहला बेस पॉइंट कौन सा होता है अपने पास में, जो बेसिक ओरिजिन होता है सबका, ठीक है। जैसे ऑटोकैड में होता है ना, वैसे इसको बोलते हैं इंटरनल ओरिजिन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर में लिख के क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरनल ओरिजिन, दूसरा होता है अपने पास प्रोजेक्ट बेस पॉइंट्स, ठीक है। और तीसरा होता है अपने पास में सर्वे पॉइंट, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स होते हैं, मतलब अपने पास इंटरनल ओरिजिन, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये चीज़ याद रखने का है थोड़ा, ठीक है। इंटरनल ओरिजिन, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट, ठीक है। अब मैं इन तीनों को डिफाइन कर देता हूँ पहले यहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर से हटाते हैं, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि पहला इंटरनल ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनल ओरिजिन इज नथिंग बट द सेम ओरिजिन। जब भी हम कोई भी नई फाइल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी नई फाइल, रेविट की कोई भी नई फाइल, या फिर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लो, स्ट्रक्चर लो, या कुछ भी लो, तो जब फाइल बनाते हैं तो उसका एक इंटरनल ओरिजिन होता है, जिसको हम कहते हैं 0,0,0, राइट। जैसे ऑटोकैड में होता है, तो यही होता है रेविट का इंटरनल ओरिजिन, ठीक इंटरनल है। इसको कहते हैं रेविट इंटरनल ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है अपने पास में प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस पॉइंट का मतलब हो गया, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो समझ लो कि जब भी हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो जो प्रोजेक्ट का सेंटर होगा ना, वही जब भी हमने कोई फाइल ली, प्रोजेक्ट का जो सेंटर होगा वही हमारा इंटरनल ओरिजिन होगा, वही हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होगा, और वही हमारा सर्वे पॉइंट होगा। समझ में आया? मतलब प्रोजेक्ट चालू किया है तो प्रोजेक्ट चालू करते टाइम जो इंटरनल ओरिजिन होगा ना, 0,0,0, ठीक है, ये 0,0,0,0 होगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इंटरनल ओरिजिन, यही पॉइंट हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होगा, और यही पॉइंट हमारा सर्वे पॉइंट होगा, ठीक है। अभी मैं रेविट में जाके सब बताऊंगा, लेकिन थियरी समझ लो क्या होता है इसके पीछे, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है, तीसरा जो हमारे पास है वो है सर्वे पॉइंट, ठीक है। सर्वे पॉइंट मालूम है क्या होता है, जब सर्वे पढ़ा होगा तो जैसे मैंने क्या बताया सबसे पहले, कि कोई भी पॉइंट को, जैसे मान के चलो एक बिल्डिंग है मेरे पास में, ठीक है, एक बिल्डिंग है बी, ठीक है। तो वो बिल्डिंग का मेरे को रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं RWC, ठीक है, रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। तो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मोहक मान के चलो तुम्हारा घर लखनऊ में है, तो लखनऊ में तुम्हारे घर किस कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। तो रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है हमारा, सर्वेयर देता है रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ा होगा सर्वे में बोलते हैं MSL, मीन सी लेवल, ठीक है। तो मीन सी लेवल से हम क्या करते हैं, एलिवेशन निकालते हैं, जिसको हम लोग वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, बेंचमार्क, करेक्ट। तो जब भी हमारा ये बनता है ना कोई भी साइट, तो हम पहले ये बेंचमार्क बनाते हैं, सर्वेयर कहीं से उठा के, कहीं रेलवे स्टेशन से, कहीं से भी लेवल ट्रांसफ़र कर करके एक बेंचमार्क लेकर आता है, और वो बेंचमार्क को क्या नाम दे देता है, एक बना देता है, उसको बोलता है कि जब भी हम सर्वे करेंगे ना ये पूरे पर्टिकुलर साइट का, तो वही बेंचमार्क से करेंगे, तो उसको क्या नाम दे देते हैं, सर्वे पॉइंट, ठीक है। एक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से संपर्क हाँ करना।
तो बेसिकली समझ में आया अभी क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, तीन पॉइंट्स होते हैं, एक इंटरनल, एक प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, एक सर्वे पॉइंट। ठीक है, इंटरनल ओरिजिन होता है मतलब 0 0 0, और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट मतलब होता है पूरे प्रोजेक्ट का जो सेंटर होता है। ठीक प्रोजेक्ट है, जब हम प्रोजेक्ट चालू करते हैं बाद में हम इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, जो हमारा इंटरनल ओरिजिन है दैट इज फिक्स्ड, सेंटर। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो 0 0 0 हमेशा 0 0 0 रहेगा। प्रोजेक्ट बेस पॉइंट होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंजेबल। ठीक है, वैसे ही हमारा जो सर्वे पॉइंट होता है, दिस इज ऑल्सो चेंजेबल। ठीक है, तो सर्वे पॉइंट समझ में आ गया ना? सर्वे ठीक पॉइंट मतलब हमने एक है। बेंचमार्क बना दिया साइट पे, और वो ही बेंचमार्क से जब भी हम प्रोजेक्ट पूरी साइट का सर्वे करेंगे तो वही पॉइंट से करते हैं, तो वो एक क्या होता है, एक बेंचमार्क बन जाता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। तो वही सेम चीज़ हम लोग रेविट में भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, करेक्ट है, इतना समझ में आ गया थियरी? चलो आ जाओ, अब चलते हैं रेविट के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपके सामने ये प्रोजेक्ट मैं बनाया ना, जस्ट मैंने ओपन किया आर्किटेक्चरल एक। अब यहाँ से समझते हैं प्रोजेक्ट बेस पॉइंट कहाँ से कैसे मालूम चलता है। मैं क्या करता हूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में VV प्रेस किया। ठीक है, अभी यहाँ पे साइट S प्रेस करके साइट में गया, एक यहाँ दिया साइट, उस पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आएगा हिडन लाइंस, लैंडस्केप, पैड, प्रोजेक्ट बेस। यहाँ से ऐसे करते हैं, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, प्रॉपर्टी लाइन, स्ट्राइप, यूटिलिटीज, ये सब। करेक्ट, सर्वे हाँ ये चीज़ हुआ। अभी एक तो तरीका हो गया यहाँ से ऑन करने का, अदरवाइज सिंपली जब प्रोजेक्ट चालू करते हैं ना तो हमारे पास एक लेवल 1 आता है, लेवल 2 आता है और साइट आता है। ठीक है, सिंपली साइट पे क्लिक करो, साइट का फ्लोर प्लान ओपन कर लो, और यहाँ पे देखोगे बीच में एक ब्लू कलर का आइकन आ रहा है, आ रहा है। अभी मैं इसको दोनों को हाँ सेलेक्ट करके यहाँ फिल्टर में जाऊँगा ना, तो यहाँ क्या क्या चीज़ लिखा है? प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट अभी दोनों। मैं क्या करता हूँ, एक को बंद करता हूँ, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट को, या सर्वे को बंद कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट चालू कर रहा हूँ। ओके किया, देखो क्या लिख रहा है, NS मतलब नॉर्थ साउथ, EW मतलब ईस्ट वेस्ट, और एलिवेशन मतलब 0 0। ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। सब ठीक है, 0 0 0 0। तो अभी क्या है, सब 0 0 0। अभी क्या है, रेविट का इंटरनल ओरिजिन हम लोग नहीं देख सकते इसमें 2019 वर्जन में नहीं देख सकते, 2020 वर्जन से स्टार्ट हो रहा है, 2020.2 से स्टार्ट हुआ है। मोहक तो 2021 यूज़ करता है ना, उसमें मिल जाएगा इंटरनल ओरिजिन। यही तो दे रहे हो मतलब। हाँ, तो ये अभी देखो ये 0 0 0 है ना, मतलब क्या है, ये मेरे ओरिजिन पे पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट। करेक्ट है, अभी दूसरा मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ सर्वे पॉइंट। ठीक है, ओके, अभी इस पे क्या लिख रहा है, NSEW एलिवेशन 0 0 0, सर्वे पॉइंट लिखा ऊपर, सर्वे पॉइंट इंटरनल, तो ये भी 0 0 पे। मतलब क्या है, जब भी प्रोजेक्ट चालू करते हैं हम लोग ना, तो उसका सर्वे पॉइंट, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट एंड इंटरनल ओरिजिन एक जगह पे रहता है, विच इज 0 0 0। क्लियर इतना? ठीक है, अभी क्या होता है, कई बार जैसे मैं प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूँ ना, तो प्रोजेक्ट बेस पॉइंट जो है मेरा वो चेंज करना पड़ता है मेरे को। जैसे क्लाइंट ने बोला कि जो भी तू वो बना रहा है ना, फाइल बना रहा है मतलब बिम मॉडल बना रहा है, तो एग्जैक्टली वैसा ही तभी होगा ना। बिम मॉडल क्या होता है, जो हमारे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है उसका क्लोन होता है ना, डिजिटल क्लोन, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ही होता है ना हमारे एक्चुअल साइट का बिम मॉडल। तो वो तब तक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगा जब तक हम लोग उसको एक लोकेशन प्रॉपर नहीं देंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर नहीं देंगे, तब तो कैसे कह सकते हैं कि हाँ वो सेम लोकेशन की बिल्डिंग है, सेम सन पाथ फॉलो करेगा, सेम शेडो आएगा उस बिल्डिंग पे। मतलब समझ रहे हो, मतलब जिस काम के लिए हम लोग को बिम मॉडल बनाना है, वो बिम मॉडल का एक कहीं ना कहीं पार्ट होता है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और शेयर्ड सर्वे पॉइंट। ठीक है,
रहे हो? हाँ तो अभी क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रोजेक्ट चालू करते हैं, तो प्रोजेक्ट चालू करते टाइम क्लाइंट बोलता है कि मेरे को जो बिल्डिंग तुम बना के दोगे ना, बिम मॉडल बना के दोगे, वो बिम मॉडल एक्चुअल रियल कोऑर्डिनेट से मैच करने चाहिए। तो वो क्या करेगा ना, मुझे बोल देगा कि मैं सिर्फ सिंपली इसको क्लिप है ये, इसको अनक्लिप कर दूंगा पहले। अनक्लिप जैसे पिन अनपिन होता है ना, बस वैसे क्लिक वैसे ही क्लिप अनक्लिप होता है। तो मैं इसको क्या किया, अनक्लिप कर दिया, ठीक है। करने अनक्लिप करने के बाद मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ प्रोजेक्ट बेस पॉइंट पे। यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको बोल रहा हूँ कि 20 मीटर्स एक्स है और 20 मीटर्स वाई हो गया, और जेड एलिवेशन मेरा 0 0 है भी, ठीक है। अप्लाई जैसे करूँगा तो देखो मूव हो गया मेरा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट। अभी वो 20 20,000 mm पे एक्स वाई पहुंच गया। मेरा इंटरनल ओरिजिन और सर्वे पॉइंट अभी वहीं पे है, ठीक है। ठीक तो क्लाइंट ने बोला अब मेरा जो सर्वे पॉइंट से मेरा बिल्डिंग है वो इतना दूर है। डिफरेंस समझ रहे हो? सर्वे पॉइंट क्या था, मैं बताया था ना। तो सर्वे पॉइंट से मेरा बिल्डिंग इतना दूर है, कितना दूर है सिंपली एक्स, और मतलब कितना कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताऊंगा तो 20, 20, 0 पे है। समझ आया? जो कि मैं यहाँ समझा रहा था कि मेरा एक सर्वे पॉइंट बनता है, सर्वे पॉइंट से मेरी बी बिल्डिंग कितने दूर है। तो बी सर्वे पॉइंट हो गया, सॉरी प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? समझ में आ रहा है? तो हाँ हाँ बोलो, क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम करता है। हाँ देखो ये हो गया मेरा बी, ये बिल्डिंग हो गया, और यहाँ पे मेरा जो वो था क्या नाम है, सर्वेयर है, नहीं यहाँ पे क्या दिया, सर्वे पॉइंट। ओके सर्वे okay? पॉइंट अब ये क्या हो गया, मेरा सर्वे पॉइंट हो गया रेबिट का, ठीक है। और ये क्या हो गया, मेरा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, बिल्डिंग है तो पूरी किस पॉइंट हुई है ठीक है। तो रेबिट का ये प्रोजेक्ट बेस पॉइंट हो गया। तो अब अभी ये क्या था, सर्वे पॉइंट क्या था मेरा, 0,0,0, जीरो 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 ठीक है। अभी ये कितना हो गया मेरा, 20,20,0, ठीक 20,0 है। तो मतलब ये डिस्टेंस मेरी कहीं ना कहीं इस एंगल पे है, मतलब 20 20 कहीं ना ऐसे। समझ में आया डिफरेंस क्या रेविट में क्या होता है? तो वही चीज़ होता है। तो ये चीज़ याद रखना बस, अभी इसका काम आपको आएगा, बट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है। लेकिन इसका काम, जैसे ये सब काम होता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, टीम लीड का, या फिर बिम कोऑर्डिनेटर का होता है। वो पहले फाइल सेटअप बढ़िया से करके देते हैं, आपको फिर काम करना रहता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अनडू कर देता हूँ। हाँ बोलो बोलो, पॉइंट तो शो होता होगा कि इसे शो नहीं करते हैं। दिख रहा है ना, साइट में दिखेगा, प्लान्स में नहीं दिखता है ये। इसको ऑन करना पड़ता है, यहाँ से विजिबिलिटी ग्राफिक्स ऑफ किया, एस से साइट, यहाँ जाके सर्वे पॉइंट और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट ऑन करूंगा तो दिखने लगेगा यहाँ। अच्छा तो वो ये मैं जनरली अपना दिखता नहीं टेम्पलेट है, बना के ऑफ दे रहता देगा है। फिर उस पे वर्क करोगे। हाँ ठीक ठीक है। है, रेडी में अभी दिखता है कई बार। हाँ बिल्डिंग में कई बार दिखता है कि जब ऑन रहता है तो। अभी मैं आपको बेसिक सा अब समझाता हूँ। जैसे हमारा क्या था, हमने ये समझ लिया कैड ओरिजिन वर्क फ्लो, ये समझ लिया कैड लिंकिंग, समझते हैं कि लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें आ जाओ। कैड में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, लिंकिंग पहले रेविट में देख लेते हैं होता क्या है। लिंक और इम्पोर्ट में डिफरेंस समझ लो पहले। मोहक तुमको नहीं मालूम है शायद, आप बताओ आपको मालूम है? क्या नाम है, प्रशांत हाँ, बताओ क्या होता है? लिंक और क्या इंपोर्ट हाँ लिंक और इंपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, लिंक में मतलब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लिंक करेंगे तो उसमें जो मेन प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस करेंगे तो उसमें चेंजेस दिखाई देंगे। इंपोर्ट में वो सिर्फ कॉपी हो पाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है। इसको थोड़ा अपना ना एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा क्लियर करो। जैसे मुझको समझा रहे हो तो मुझे मालूम है, हाँ आपको बताया मेरे को मैंने तो आपको मालूम है कि हाँ ऐसा है, आप बता भी रहे हो सही।
लेकिन थोड़ा जब मान के चलो सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है ना, तो वो क्लैरिटी समझ चाहता है कि सामने वाला ना बताए जो वो कॉन्फिडेंस से बताए कि हाँ भाई ये होता है, और एक क्लियर चीज़ की पॉइंट्स होती हैं। जैसे मान के चलो कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इम्पोर्ट क्या होता है, तो इम्पोर्ट का मतलब क्या हुआ, इम्पोर्ट में क्या होता है, सिंपली जो फाइल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी एक कॉपी बन जाती है, और वो कॉपी करके हम अपनी रेविट में लेके चले जाते हैं। अब जब भी हम कुछ भी इम्पोर्ट ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो हमारी जो इम्पोर्ट हुई फाइल है, कॉपी हुई फाइल है, उसमें कोई भी चेंज अपडेटेड नहीं दिखेगा। तो मतलब थोड़ा आपको क्लियर तरीके से समझाना पड़ता है, तो इंटरव्यू मानता है, अदरवाइज वो समझता है इंटरव्यू इज लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा उस पर डेफिनेशन पे काम करना। ठीक है चलो फिर भी हम देख लेते हैं, मोहक को नहीं मालूम है। तो एक चीज़ है मोहक, इम्पोर्ट एंड लिंकिंग, ठीक है। अभी देखो जैसे मान के चलो क्या है अपने पास में, एक है अपने पास में फाइल ए, ठीक है, दिस इज आवर रेविट फाइल, ठीक है, रेविट की फाइल है। देन अनदर फाइल इज बी, ठीक है, ये है कैड की फाइल, ठीक है। अब रेविट में क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है लिंकिंग, ठीक है। अभी क्या होता है कि रेविट में जब भी हम लिंक करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लिंक करते हैं इस फाइल को इस फाइल में लिंक करेंगे, ठीक है, लिंक कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या करता है, इसी फाइल का एक लिंक बना देता है। मैं लिंक बना देता मतलब एक कड़ी जैसा कुछ बना देता है, सो दैट यही सेम फाइल का पाथ ये सेम फाइल में खुल जाता है, ठीक है। मतलब बी फाइल ए फाइल में खुल जाती है विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉपी, समझ रहा है। तो क्या होता है कि जब भी मान के चल कैड है ये, तो जब भी मैं फाइल बी में कुछ भी चेंजेस करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अमन पहले लिखा हुआ था उसके अंदर में, प्रोजेक्ट के कैड में अमन लिखा हुआ था कहीं, तो वो अमन के जगह मुझे सुमन करना था, ठीक है। तो मैंने पहले अमन वाली फाइल को इसमें लोड कर दिया था, अमन अमन कर नाम से जो चीज़ कैड फाइल थी मेरी, उसको मैंने अंदर लोड कर दिया था। अब क्या वो बाद में मुझको मान कर, नहीं भाई अमन नहीं था अंदर, मतलब अमन नहीं डालना था मुझे कैड फाइल के अंदर में, सुमन नाम लिख टेक्स्ट लिखना था। तो मैंने क्या किया, ये ऑटो कैड की फाइल बी ओपन की और उसमें अमन के जगह सुमन कर दिया, ठीक है, और सेव कर दी फाइल को, ठीक है। और सेव करने के बाद में मैं गया फाइल ए में, और जो मैंने फाइल बी उसके अंदर लिंक की हुई है ना, उसको मैंने रीलोड कर दिया, ठीक है। तो जो भी चेंजेस मैंने किए हैं फाइल बी में ना, फाइल ए में दिखने लगा, अच्छा ठीक है, समझिए। ठीक है। एक चीज तो ये हो गया जिसको बोलते हैं लिंकिंग, दूसरा होता है ठीक है। अपना इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट में क्या होता है कि एक फाइल ए है अपना रेविट का, और बी फाइल है अपना कैड का, ठीक कैट का। है। तो अब इम्पोर्ट करते टाइम क्या होता है ना, इम्पोर्ट जब भी करते हैं तो ये क्या करेगा, पहले एक कॉपी बनाएगा फाइल बी का, जिसको फाइल बी ही देंगे नाम, लेकिन इसको ये कॉपी करके लाएगा फाइल बी, कॉपी ठीक बनाएगा, ठीक है, ठीक है, कॉपी बना के फिर इसके अंदर में सेव कर देगा, डेबिट के अंदर में ला देगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी ओरिजिनल फाइल तो चली गई, मतलब हम अब तो ये ओरिजिनल फाइल नहीं रही ना कॉपी वाली, कॉपी है हाँ। तो इसके अंदर में जो भी तो इसमें चेंजेस चेंजेस करोगे करेंगे ना, क्या, मतलब नहीं है तो इसके अंदर वो चेंजेस इसमें नहीं दिख पाएगी। इसमें क्या था, यही ओरिजिनल फाइल को हमने यहाँ पे लिंक किया था नहीं रेविट में, इसमें लिंकिंग में हमने इसी फाइल को यहाँ पे लिंक कर दिया था, तो जो भी चेंजेस कर रहे थे इसमें, इसमें दिख रहा था बाद में अपडेट रीलोड करने पे। बट अभी इसमें क्या होता है, होगा। इसमें कोई भी करते हैं तो ये ऑलरेडी पहले से कॉपी बना चुका था, जब भी हम इसमें चेंजेस करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, समझ में आया। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इम्पोर्ट और लिंकिंग में, इम्पोर्ट में हमारी एक कॉपी बन जाती है, इम्पोर्ट में क्या होता है हमारी इसमें एक चेंज कॉपी कर बन सकते जाती हैं। है, तो इसमें हम जो भी चीज़ चेंजेस करते हैं तो ये इसमें इस वाली फाइल में नहीं दिखेगी, मतलब बी में कुछ भी चेंज करोगे तो ये में नहीं दिखेगी। और वहीं लिंकिंग में क्या होता है, बी में क्या होता है एक लिंक बना देता है,
और जब भी कुछ भी चेंजेस करोगे इसके अंदर में, तो रेविट की फाइल ए में इसमें भी रीलोड चेंज करने पे लोड करने इसमें पे। वो चीज़ सारा चीज़ रिफ्लेक्ट हो, समझ में आया? तो ठीक है, हाँ आ गया अच्छे ये से। बेसिक फंडा है इम्पोर्ट और लिंकिंग में, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा याद रखने का है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपको। चलो तो ठीक है, ठीक अभी है। हेलो, हाँ हाँ बोलो, आप बोलो।